अपरचत केशवबाला और भैंसडोबा मिलाकर लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जगह लेके फैला हुआ है ये विशाल तीस्ता नदी का विस्तार। ये विशाल तीस्ता विस्तार में पुराने जितने प्राकृतिक घास वन थे उसको काट कर बनाए गए है ये विशाल आकृति का आबादी जमीन। और इसमें सबसे ज्यादा आकर्षक है ये मकाई। कुल मिला के 3000 से भी ज्यादा इंसान यहां पर मकाई की आबादी करते हैं और इसी मकाई को खाने के लिए आ जाते हैं हाथियों का झुंड। जी हाँ, ये जो जगह है इसके नजदीक में बैकुंठपुर जंगलों से साल के इसी समय पर अर्थात बरसात के शुरुआत में हाथियों का लंबा झुंड आ जाते हैं सिर्फ मकाई को खाने के लिए। महाराज, यहाँ से पूरा ये भुट्टा जो लगाया है ये लोग, यहाँ का आदमी, तो इसके अंदर घुसा है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अभी चार हाथी अंदर बैठे हैं और चारों मेल हाथी है, उनमें से दो टस्कर है, दो मकना है बिना दांत का। सो अभी हम लोग उसको देखने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो कॉर्न फील्ड्स जो होता है, मतलब भुट्टा का जो फील्ड होता है, इसका हाइट आप लोग देखिए। इसके अंदर एक हाथी आराम से घुस सकता है, आराम से स्टे कर सकते हैं। तो इसका हाइट कम से कम 10 फीट के ऊपर ही होगा। कुछ कुछ जगह पर 10 फीट से ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह पर 10 फीट एवरेज है। इसके अंदर हाथी आराम से बैठ सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। जब मेल हाथी हांजा से अलग हो जाता है तब वो लोग ऐसा छोटा छोटा रिस्क ले लेते हैं। और ख़ास करके ये जो मालजुरियंस है, मतलब सब मेल जब एक साथ जुड़ जाता है उसको मालजुरियन ग्रुप कहते हैं। वो भी ज़्यादातर क्रॉप सीजन में होता है। तो ये मालजुरियन ग्रुप क्या करता है, कोई भी रिस्क ले सकता है और यहाँ पर प्रॉफिट भी है, आसानी से उन लोगों को खाना मिल सकता है। तो इसलिए वो लोग ये भुट्टा का जो फील्ड है इसके अंदर आके बैठा हुआ है। यहाँ पर हाथी जब ये कॉर्न फील्ड के अंदर घुसते तो कितना नुकसान होता है। ये जो पूरा ज़मीन है, ये पूरा ज़मीन इरिगेशन लैंड के अंदर आते हैं और किसानों ने जितना ज़मीन पर आबादी किया है ये पूरा इरिगेशन के जगह पर ही है किया है। तो जो इंसान यहाँ पर बैठते हैं पूरे साल, जो इंसान यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जिसका घर है, ये पूरा ही आपका इरिगेशन लैंड के अंदर ही आता है, जिसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई लैंड डॉक्यूमेंट्स इनका नहीं है। इतिहास देखने से तो पता ही चलता है, क्योंकि एक समय पर यहाँ पर पूरा हाथी का ही राज था और हाथी का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन क्या इंसान हाथियों के साथ शास्त्रित्व में जा सकते हैं?